सुबह सुबह पानी सुबह सुबह सबको गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है गर्म पानी पीना। रोजी क्या है, इधर आ, यहाँ पर आ, आ यहाँ पर, रो बच्चा यहाँ पर, इधर आ। क्या हो गया बता, चेक करूंगी। चलो तो सलाम करो, आओ बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो। मम्मा ने भगा दिया ना उसे, बोलो 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 अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बोलो। नहीं बोलना। भाई के लिए बन रहा है सैंडविच, क्योंकि अरबाज भाई को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, और यहाँ पर बन गई उनकी चाय। यहाँ बना देते हैं हम उनका सैंडविच। सैंडविच में लगाएंगे हम केचप, मेयोनीज, अनियन, टोमेटो और कुकुम्बर। ये बन गया ऐसे लेयर में, और हम इसको सेक देते हैं। और बाल भाई का है तो इसको हम देसी घी में करेंगे। इसको बोलते हैं कि जिनको टाइफाइड हो जाता है ना उनको खाना चाहिए, तो उसका है ना टाइफाइड बाहर आ जाता है, दबता नहीं है। तो मेरे को तो टाइफाइड 3 बार हो चुका है, अभी नहीं मतलब बहुत गैप में हुआ है, लेकिन इस बार का जो टाइफाइड है वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है। फाइव मंथ पहले हुआ था जो रोज़े आए थे ना, पूरे रोज़े रखने के बाद मुझे टाइफाइड हुआ था, और तब से ही मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब कभी फीवर हो जाता है, कभी कुछ फीवर ही होता है और तो कुछ नहीं होता, फीवर ही होता, बार बार फीवर हो जाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि मतलब है ना टाइफाइड के बाद है ना प्रॉब्लम रहती है, पर इतने दिन तक प्रॉब्लम रहती है समझ नहीं आया। तो फिर मुझे, हाँ जिसको कहते हैं मुनक्का, तो ये मुनक्का है, मैं खाती हूँ इसको डेली। देखो, और अब हम डाल देते हैं इसमें घी। बन गया बढ़िया सा लेयर वाला सैंडविच, बना दिया। वो बात अलग है कि हमारी गैस खत्म हुई, ये देखो कितना बढ़िया से कहने के। चलो अब बस हेडफोन को उठाते हैं। 2 hours later और ये देखो अभी मैं बना रही हूँ माइक्रोवेव में खाना, क्योंकि मेरा राइस बन रही है, मैंने सारा कुछ रख दिया है इसमें। तैयार करके माइक्रोवेव में तो ऐसे ही बनता है, ऐसा नहीं बन सकता ना कि पहले तड़का लगाओ फिर ये करो वो करो, ऐसे नहीं बनता। अब इसको हम रख देते हैं इस पर, और माइक्रोवेव कर देते हैं चालू। पहले लगाते हैं हम पैन पर, दस मिनट का हो गया चालू। और इधर मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ अपने, ये देखिए यहाँ पर रोज ही बर्तन साफ करना है। और खाना खाने के बाद इतनी तेज घबराहट हुई ना, और पेट में दर्द चालू हो गया, और मैं ना फिर बस लेटे लेटे सो गई। और फिर उठी मैं 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने कहा ओह शिट बहुत टाइम हो गया। अभी हमारी गैस का तो प्रॉब्लम हो गई है, अभी हमारे गैस सिलेंडर नहीं आ पाएगा, क्योंकि दिवाली की वजह से जो हमारा सिलेंडर लेकर आते हैं ना वो अपने गांव चला गया, फ़ोन ही पिक नहीं कर रहा। और
इस वजह से हमें ना बस अभी छोटा जो सिलेंडर होता है ना उसमें ही गैस भरानी पड़ेगी, तो वो तो अभी तो नहीं, अब देखो भरा के लाते हैं कोई आता है तो। हमने कहा तब तक हम सब्जी कट करके रख लेते हैं, अब तो हद हो गई है, अब हमारा सिलेंडर हमें चेंज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होता है ना। सपना ने बनाई है मेरे लिए माइक्रोवेव में चाय। क्या खुशबू देखो इसकी, मैं तो खुशबू ही नहीं आ रही। कोरोना हो गया आपको? ओ देखो मेरे को बोल रहे कोरोना हो गया आपको, मतलब अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो, कह रही है कोविड हो गया है आपको इसलिए खुशबू नहीं आ रही। नहीं होता कोविड से। आपको पता है मैंने एक वो देखी थी, आपको पता है ना मैं ग्लेशियर्स वगैरह की वीडियोस देखती हूँ, उसमें खोज हुई थी कि जो ये बाहर के देश हैं या फिर मतलब जो जो बर्फ नहीं होती, बर्फ में ना एक ऐसा वायरस है, जब उसे तोड़ा था ना उसको चेक करा तो उसमें एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे पानी में घुल रहा है, कोरोना जैसा है। अभी नए नए वायरस क्यों आ रहे हैं, गले सिर्फ पिघल रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। सारे बर्फ में है ये जितने भी वायरस है तभी तो हो रहे हैं, और जैसे वो पूरा फैलेगा ना दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह खैर करे सबकी, अल्लाह बचा के रखे। अच्छा आज हाँ ना सितारा यासीन का है ना, वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। साथ ही करते अपनी वीडियो का एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट।